Indian fathers are equally unique. Like, I have a typical Indian middle class father. Typical middle class father होते हैं ना, जिनके गाड़ी में central locking भी होती है, तब भी ऐसे दरवाजा check करते रहते हैं. मैं कमरे में AC चला रहा हूँ, पावर भी लगा, बेटा दरवाजे की ना चादर लगा दे, ठंडी हवा निकल जाएगी. ठंडी हवा नहीं होगी, जेल का कैदी है, निकल जाएगा, भाग जाएगा, पकड़ो, रोको, हथकड़ी लगाओ. But what's best about Indian fathers is the kind of transition that fathers have. Like, when I was a kid, my dad was this angry, violent person whose go-to for everything was बेटे को दे भदेड़. दे भदेड़. बेटा एग्जाम में फेल कर गया, दे भदेड़. बेटा लड़ाई करता हुआ पकड़ा गया, किसी को मार रहा था, दे भदेड़. बेटा लड़ाई करता हुआ पकड़ा गया, किसी से पिट रहा था, लड़ाई रोक के खुद दे भदेड़. हम लोग पापा रोका ही क्यों, उसी को करने देते ना. And you know, अब ये सब है तारे जमीन पर, डिसलेक्सिया, लेट द चाइल्ड ग्रो. पहले ये सब कुछ नहीं होता था. पहले डिसलेक्सिया का क्या होता था, दे भदेड़. एंड इट वर्क्ड, आई बिकेम अ जीनियस एट मैथ्स. लाइक बोलते हैं ना लोग, मैथ्स रट नहीं सकते, मगअप नहीं कर सकते. बेटा बाप थप्पड़ मारे सब हो जाता है. लाइक वैसे वो क्वेश्चन आता था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स, मैं लिख के आ जाता, 5 पता है, रट लिया मैंने. फिर हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने फिर से लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो शो द मेथोडोलॉजी. एंड फिर हम लोग, यार ये कैसे होगा, ये कैसे कैसे करेंगे. फिर पापा के साथ एक और सेशन लग गया, दे भदेड़ का हो गया, सब हो जाता है. एंड माई फादर हैड दिस यंत्र, मारते वक्त दिस यंत्र, रिलैक्सो का चप्पल, एकदम हार्ड रबर का, मारो तो अंतड़िया बाहर आ जाए एकदम. लाइक आजकल के चप्पलों में ना वो बात ही नहीं है, वो फील ही नहीं है. लाइक वो क्रॉक्स वॉक्स आपने देखे, वो फील ही नहीं है यार. आप क्रॉक्स से मारो, बाउंस करके वापस आ जाएंगे, फील ही नहीं है. लेकिन अगर प्रेजेंट डे फादर्स हिटिंग हिज चाइल्ड विद क्रॉक्स ना, वहीं पर एड शुरू हो सकता है, साधारण चप्पल ने कटवा दी ना. Thank you.